नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। तो जैसे कि आरपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो इस लेसन के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के पी आरपीएससी का जो सिलेबस है, उसमें से जो पॉलिटी और ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है, उसकी हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, कितने नंबर के कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे कम समय पर उसकी तैयारी हम कर सकें कुछ स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट बुक्स के माध्यम से। तो उन सबको हम इस कोर्स के अंदर हम करेंगे। धन्यवाद। तो पिछले लेसन के अंदर हमने राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री, इन सब के बारे में हमने काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ लिया था। तो इस लेसन के अंदर हम देखेंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में। तो हम बात करें तो ज्योग्राफी को इसके अंदर बेसिकली तीन पार्टों के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। तो तीन पार्ट है, जिनमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका कोई बहुत ही छोटा पार्ट इसके अंदर है, और जिसमें तो है ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल वाटरवेज और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये चार टॉपिक ही इसके अंदर हैं, जिसमें से ब्रॉड फिजिकल फीचर्स जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग पूरी ज्योग्राफी अकेले में ये समाहित कर लेता है। तो इसे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इस टाइम जरूरत नहीं है। यदि आप नए हैं, सिर्फ 2 महीने के लिए तैयारी का समय आपके पास बाकी है, तो इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और एक या दो सवाल ही मुश्किल से इसके अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम लोग ये जो दो टॉपिक लास्ट के हैं, इंटरनेशनल वाटरवेज यानी कि जो जलमार्ग हैं विश्व के, और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, इन दोनों को करके हम लोग इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दो टॉपिक्स जो हैं उन्हें हम इंटरनेट के माध्यम से या फिर कोई कोचिंग के नोट्स के माध्यम से इन्हें ख़त्म कर लें। तो अगर हम लोग ब्रॉड में पढ़ रहे हैं, हम आगे की तैयारी भी कर रहे हैं, या फिर हमने पहले इनको पढ़ा हुआ है और लास्ट में हमें सिर्फ रिवीजन करना है, तो उसके लिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 या आरबीएससी की क्लास 11 की जो बुक है ज्योग्राफी की, उसे हम कर सकते हैं। उसके अंदर पूरी वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी काफ़ी अच्छे से दे रखी है, परंतु उसके अंदर हमें वाटरवेज और मेजर इंडस्ट्रियल रीजन शायद ना मिलें। तो इन दोनों को जो है हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर लें तो हमारा कोर्स इसके अंदर हो सकता है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये जो दो टॉपिक हैं, अगर आप नए हैं तो इन दोनों को ही करें, और यदि आप पुराने हैं तो इन चारों टॉपिकों को ख़त्म करें, जिसमें हमें एनसीईआरटी क्लास 11 या फिर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आरबीएससी की क्लास 11 की जो बुक है उसे करें, क्योंकि एनसीईआरटी का जो हिंदी वर्जन है उसकी जो है वो काफ़ी टफ है, तो उसे करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। उसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, यानी कि जो मुख्य जो भू एक आकृतियाँ हैं राज्य वो भारत की वो सब, एग्रीकल्चर यानी कृषि और एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज़ यानी मृदा वगैरह जो चीज़ें हैं वो सब, मिनरल्स, आयरन, मैंगनीज, कोल, आयन एंड गैस, एटॉमिक मिनरल्स यानी सभी तरह की खनिज वगैरह, मेजर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि कौन सा राजमार्ग कहाँ होके जा रहा है वो सब चीज़ें, मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स, इसके अंदर हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन कॉरिडोर ये सब इसके अंदर देख लेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज, यानी कि जो पर्यावरण का एक भी एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर दिया गया है। हालांकि पारिस्थितिकीय पर्यावरण जो है यूपीएससी में खुद ही एक अलग सब्जेक्ट है, परंतु इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं चाहे तो। थोड़ी थोड़ी जो नई जो कुछ अगर चर्चा में कुछ करंट अफेयर्स की बातें हैं तो उसे हम कर सकते हैं, बाकी का जो ऊपर का जो पूरा पोर्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे हमें जरूर करना है। तो इसे अगर हम करें तो इंग्लिश मीडियम वाले एनसीईआरटी क्लास 12 पढ़े, जिसके अंदर जो पहला पार्ट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, दूसरा है वो फिजिकल जो जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी का है, तो उसमें से सिर्फ मृदा और मिनरल्स वगैरह वाला जो पोर्शन है ज्योग्राफी का पार्ट 2 का उसको कर लें, और राजस्थान बोर्ड वाले आरबीएससी की क्लास 12 की जो बुक है उसे करें, क्योंकि हिंदी जो है एनसीईआरटी की वो थोड़ी टफ है, ये करनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से हर साल 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हमें सिर्फ नदियाँ वगैरह पढ़नी है, माइंस मिनरल्स पढ़ने हैं, मृदा वगैरह पढ़नी है, उसके अलावा हिमालय जो है उसके या फिर कुछ पहाड़ियाँ वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट उन्हें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कम समय में 5-7 दिन में हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर इंडियन कम पढ़ी वो चल जाएगी, पर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान अगर आपकी कमज़ोर है फिर आप चाहें कि आप पेपर पास कर लें तो वह बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अंदर ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान,
यानी कि राजस्थान की जो कौन कौन सी प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो, और उससे पहले जो राजस्थान की जो भू आकृति वगैरह हैं उन सबसे संबंधित क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो राजस्थान की जलवायु कैसी है, उसके अलावा जो है कौन कौन से अभयारण्य हैं, नेशनल पार्क है, रामसर आर्द्रभूमि का क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, तो रामसर आर्द्रभूमिया जो है इन सबको इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ते हैं। उसके अलावा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जैसे कि माही नदी जो है वो सब, उसके अलावा इंदिरा गांधी नहर, उसके पार्ट्स वगैरह, इन सब से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उन सबको इसके अंदर पढ़ना है। उसके अलावा माइंस एंड मिनरल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जस्ता कहाँ मिलता है राजस्थान के अंदर, अभ्रक कहाँ मिलती है, तो दो तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूरे रटने के हैं, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लगा लगू के इनको रटने की कोशिश करें। उसके अलावा पॉपुलेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अंदर कौन से जिले की जनसंख्या कितनी है, किसमें दल, किसमें SC वाले लोग ज़्यादा हैं, किसमें FT वाले लोग ज़्यादा हैं, किसके में सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं, सबसे कम शिक्षित हैं, महिला साक्षरता कहाँ है, तो कुछ रटने वाले हैं इसके अंदर, वो सब रट्टा मार लें आप, दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो मेजर इंडस्ट्रीज एंड पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो ये सब भी ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है। तो जो जो इंडस्ट्री है राजस्थान के अंदर है कुछ स्पेसिफिक, तो उन सबको इसके अंदर पढ़ना है। परंतु ज्योग्राफी राजस्थान हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, काफ़ी कम टाइम के अंदर हम तैयारी करके अच्छे नंबर इसके अंदर ला सकते हैं, ज़्यादातर रटने का सब्जेक्ट है ये। तो इसके हम तैयारी की बात करें तो हिंदी मीडियम वाले सिर्फ एक बुक पढ़ें, दूसरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक खुद ही अपने आप में बहुत पर्याप्त है और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। इसमें से भी हम सिलेक्टिव होने की कोशिश करें तो हरिवंश सक्सेना की बुक आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, पर्याप्त होगी। बी सिलेक्टिव, मोर फोकस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि शुरुआती 4-5 चैप्टर हैं नदियों तक, वो माइंस, पॉपुलेशन, नेशनल पार्क्स, नदी, मिट्टी वगैरह, और उसके अलावा जो ट्राइब्स वगैरह हैं राजस्थान की, यानी कि जो जनजातियां हैं भील, मीणा, गरासिया, उन सब के बारे में हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ज्योग्राफी के अंदर भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ये पढ़ लें इन सबको, दो तो आपको 4-5 क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले ट्राई करें इसे पढ़ने का, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी कोचिंग के नोट्स देख लें और उन्हें याद रखने की कोशिश करें। पर एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी पढ़ें तो साथ में कुछ नोट्स बना लें छोटे छोटे, ताकि 7 दिन जो लास्ट के होंगे उसमें इन्हें हम दोबारा रट्टा मारकर जो है अच्छे से रिवाइज कर सकें। अगली सब्जेक्ट हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकेशन, सॉरी पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, यानी कि पॉलिटी के सिलेबस हम देखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 35, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या किस तरीके का नेचर है वो, प्रीएम्बल यानी कि जो जो प्रीएम्बल है अपनी वो प्रस्तावना है, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि जो संघ शासित जो सॉरी अपना जो संघीय संरचना है वो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि अपन जो संविधान संशोधन होता है उसके बारे में, इमरजेंसी के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड जुडिशियल रिव्यू, उस सब के बारे में इसके अंदर है। तो लक्ष्मीकांत जो बुक है उसी में से टॉपिक छाप दिए गए हैं सीधे सीधे। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस पढ़ना है, जिसमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट यानी कि भारतीय राज्य की प्रकृति किस तरीके की है वो, डेमोक्रेसी इन इंडिया, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स यानी कि चैप्टर 3 है ये एक तरीके से लक्ष्मीकांत बुक का, उसको पढ़ना है। कोलिशन गवर्नमेंट कैसी है, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल इंटीग्रेशन, इस सबको, यूनियन एंड स्टेट, एग्जीक्यूटिव यूनियन एंड स्टेट, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ये सब। उसके अलावा प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, स्कैग जो होता है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जैसे कि लेखा महानिरीक्षक बोला जाता है उसके बारे में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकायुक्त, ह्यूमन राइट कमीशन, तो सब लक्ष्मीकांत के लास्ट के टॉपिक्स हैं, उन सबको पढ़ना है कि इनकी ये पढ़ना है कि पहला कौन था, उसके अलावा किस एक्ट के थ्रू बनाया गया इनको, इनकी जो है नियुक्ति कौन करता है, ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, कितनी एज लिमिट, 65 साल या 6 साल जो है, वो सब चीज़ें इसके अंदर हमें थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए एक ही रामबाण औषधि है लक्ष्मीकांत बुक, उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसमें से थोड़े नोट्स बनाइए, थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिए इसको, सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए पॉलिटी को, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं।
अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं पूरी बुक को, तो किसी कोचिंग वगैरह के नोट्स ले लीजिए, अच्छी कोचिंग वगैरह हो, अच्छा टीचर हो, तो आर्टिकल्स को थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। सारे आर्टिकल याद नहीं रखने हैं, परंतु जैसे कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उन वो जो अधिक सॉरी जो जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उन्हें, जैसे कि उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं, जैसे मनी विल होता है एक आर्टिकल 110, इमरजेंसी का आर्टिकल 352, 356, 360, वो सब, धारा 370, संविधान संशोधन 368, वो सब जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उन्हें हमें पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें कुछ को याद रखें अच्छे से, ताकि जो एग्ज़ाम है उसके अंदर हम इन्हें ना बोलें, और इसके जो क्वेश्चन हैं उन्हें काफ़ी जल्दी से कर लें। तो लक्ष्मीकांत पढ़ने की कोशिश करें, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी टीचर की किताब पढ़ें, परंतु इसे ना छोड़ें, यानी पॉलिटी को छोड़ना बहुत ही घातक काम होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोर हमें दिलाएगी। उसके अलावा जो है राजस्थान की पॉलिटी भी है कुछ, तो वो बेसिकली ज़्यादातर जो है वो लक्ष्मीकांत के अंदर ही कवर कर ली गई है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसके अलावा पंचायती राज सिस्टम जो है वो, पब्लिक पॉलिसीज, लीगल राइट्स, सिटीजन चार्टर, वो सब, तो ये सब जो है राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो पढ़ना हमें लक्ष्मीकांत से ही है। उसके अलावा जो कुछ इसके जो ये सब हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राजस्थान का तीसरा मुख्यमंत्री कौन था, कौन सा मुख्यमंत्री सबसे लंबे टाइम रहा। उसके अलावा पंचायती राज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सरपंच किसको अपना इस्तीफा देता है, उसके निर्वाचन किस तरीके से होता है, उसकी योग्यता क्या क्या है। तो उन सबको कोई भी हम एक लोकल एडिशन की कोई बुक उठा लें या इंटरनेट की मदद ले लें, उनके नामों को, रूल्स को याद रखने की कोशिश करें, तो इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में जो पॉलिटी को कवर कर सकते हैं। पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, नगर परिषद, नगर पालिका, उसके अलावा ग्राम पंचायत, उन सबको हमें विशेष रूप से पढ़ने की ज़रूरत है। दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन सा, राजस्थान का पहला राज्यसभा अध्यक्ष कौन था, यानी फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं इन सबको भी थोड़ा पढ़ लें, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बाकी का सिलेबस हम नेक्स्ट लेसन के अंदर करेंगे। धन्यवाद।